अवैध डंपिंग जोन से खतरे में है उत्तरकाशी का लाइफ लाइन झूला पुल। उत्तरकाशी का लाइफ लाइन कहे जाने वाले जोशीमठ और मुख्य शहर जोशीमठ को जोड़ने वाले पुल पर अवैध रूप से हो रही डंपिंग से पुल को खतरा पैदा हो गया है। 2013 की बाढ़ के बाद बने इस पुल के दोनों तरफ लोग मकानों का मलबा डाल रहे हैं, जिससे इसकी सपोर्टिंग वायर गलने के कगार पर आ गई है। पुल है उत्तरकाशी का, इस पे लोगों ने जो है डंपिंग जोन बनाना शुरू कर दिया है। इस पे पीडब्ल्यूडी क्या कर रही है? इसमें पूर्व में भी संज्ञान में आता है कि कुछ लोग जो है अपने घरों का मलबा पुल के साइड में डालते हैं, तो इस पे भी कार्रवाई पूर्व में की गई थी और वहाँ पर जो भी मलबा वलबा पड़ा था उसका एकत्रित करके अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई हेतु प्रशासन को भी लिखा गया था और पुनः आपके द्वारा ये चीज़ संज्ञान में लाई गई है, क्योंकि इस पुल को बने हुए लगभग छः से सात साल हो चुके हैं और वहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र और भी NGT और जो भी बहुत सारे डायरेक्शन इशूज हैं, तो प्रशासन और नगर पालिका क्षेत्र में होने के लिए उनको भी इसके संबंध में अभी अवगत करा दिया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की उसमें सिफारिश की जाएगी। और भविष्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर कोई होती है तो आसपास के लोगों को भी इसके बारे में संज्ञान लेकर मैं प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमारे संज्ञान में लाएं और इस प्रकार के जो भी व्यक्ति दिखाई देते हैं तो उन पर एक्शन करने हेतु हमें उसके बारे में बताएं कि कौन किस प्रकार से किस व्यक्ति ये इस तरह के काम कर रहा है। फिलहाल PWD क्या कार्रवाई करेंगे? अभी इसमें ये देख कर इसका करवाते हैं, इसमें इसको क्लीन करवाने का करते हैं, लेकिन ये क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में होता है और बार बार ये मलबा डालने का उसमें करते हैं, तो ये तो लोगों को भी अपना ध्यान देना चाहिए, अब इसको ठीक कराते हैं और साथ में इसको जो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई करते हैं। जैसे कि आपके द्वारा जो वीडियो दिखाई गया उसमें कोई मलबा डालते हुए दिख रहा है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने हेतु प्रशासन को इसको लिखा जाएगा।